पंचायत कोटली गलेबाना सूर्य प्रकाश जी। सर, आज मेरी पंचायत में पानी का बहुत बड़ी समस्या है। पानी निकलने का कोई मतलब कि नाला नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि जो मतलब कि पानी जहां से निकले। इसलिए मैंने आज बीडीसी चेयरमैन और पीडब्ल्यूडी के सर अधिकारियों को बुला के और ये पूरा मतलब कि उनको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेरी जो समस्या है इसको हल किया जाए। ये बीडीसी चेयरमैन, इनको भी मैं अपने साथ लाया हूँ और ये भी हमारे साथ है। देखिए, 2020 में भी जैसे बारिशें ज़्यादा हो, जब जिस साल बारिश ज़्यादा होती है तो उस साल इस रोड का आवाजाही जो है बंद हो जाती है, क्योंकि पानी नाले का निकास जो है आप देख रहे हैं, नाले की हालत आपने देखी है कि इसका पहले भी हमने कहा था, फ्लड कंट्रोल वालों को भी कहा था, सीवरेज वालों को भी कहा था, तो तब कुछ दिनों के लिए एक्शन करते करते वो रह गए। और आज इसका ये है कि हमने फिर आज इसका एक रखा, इन्होंने सरपंच साहब ने कहा कि आकर के एक बार इसका मौका देखा जाए कि हालत क्या, हमारे लोग कैसे गुजर रहे हैं। बच्चों को सुबह स्कूल जाना पड़ता है, सारी इनकी परेशानी हमने आकर के, मेरे साथ मेरे ही डिपार्टमेंट के यही साहब हैं, अजय गणधारी जी सरपंच साहब हैं, सूर्य प्रकाश जी, और जहाँ के जितने भी लोकल दर्शनलाल जी हैं, माने तरवाने, वैसे भी ये काफ़ी लोगों की सपोर्ट में सेवा में लगे रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि तब से भी 2020 में कहा गया था कि इसका सारा एस्टीमेट हो चुके हैं, फ्लड कंट्रोल वालों ने भी आश्वासन दिया, तो ये हुआ कुछ नहीं। तो आज मैं फिर इस पंचायत के माध्यम से अपने डीसी जम्मू को, इन्होंने मुझे अपना रेजुलेशन भी पंचायत का दिया है, दोनों तरफ से एक संस्था का और दिया है, तो इसी को आज ही हम डीसी मैम को आगे फॉरवर्ड करूंगा अपना कवरिंग लेटर लगा करके। और मुझे उम्मीद है कि डीसी मैम इसका जल्द से जल्द संज्ञान लें, क्योंकि आने जाने वाले देखो बच्चे आ रहे हैं और पैदल वो पानी के बीच से गुजरेंगे, बड़ी दिक्कत है, पाँव खराब हो जाते हैं, पहले तो शूज़ उतारने पड़ते हैं। तो मेरी डीसी मैम से यही रिक्वेस्ट है कि इन दोनों डिपार्टमेंटों को, सीवरेज और फ्लड कंट्रोल वालों को, दोनों को, एक को बुलाएं तो वो कहते हैं दूसरे की प्रॉब्लम है, दोनों को बुला करके इस समस्या का समाधान